ओम प्रकाश राजभर जी दो बार विधायक हैं और आप ही विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति हो रही है। इन कमीनों, इन गद्दारों, इन नलायकों को टिकट मिल जाता है, लेकिन जो संघर्षशील लोग हैं आज भी भटक रहे हैं, नहीं मिलता है। क्या बंद करके मोटा मोटा कमीशन, मोटा मोटा पैसा, और आर्थिक रूप से ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, माफियाओं से और गुंडों से पैसा लेते हैं, और उसी पैसे से गाड़ी खरीदते हैं, उसी पैसे से मीटिंग अरेंज करते हैं, उसी पैसे से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मोदी खराब है, योगी खराब है, और जो है अमित शाह खराब है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जो है राजनाथ सिंह खराब है। सबसे खराब यही है जो समाज के विकास की बात नहीं करते, आरक्षण के नाम पर गोल गोल घुमा रहे हैं। राजभर किस में आते हैं, जब हम दो बार जेल जा करके करणी सेना से लड़ाई करके छत्री महासभा से सिद्ध करवा दिया कि राजभर छत्री राजपूत में आते हैं, हमने इतिहास खुलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि भर जाति जो है आदिम छत्री राजपूत है, और छत्री राजपूत जातियों का संबंध रक्त संबंध भरोसे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिख दे दिया, 40 फुट की मोती मूर्ति लगवाया, अश्वरोही मूर्ति लगवाया बहराइच के अंदर, जाकर के कांस प्रतिमा देखिए मोदी जी का नाम लिखा लगाया है, कोई शिव का मंदिर बनवाया है? हमारे पूर्वजों ने 52 शक्तिपीठ बनवाया है, पूरे दुनिया के अंदर जितना ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं राजभरों ने बनवाया है, जिन्हें भारसू छत्री, भरतवंशी छत्री, सूर्यवंशी छत्री, नागवंशी छत्री, छत्री वाटक वंश, राजवंश, तमाम राजवंशों में इसको स्थान मिला है, देववंश के रूप में। हम देवता के खानदान है और हमको बताते हैं दलित के खानदान, क्या हुआ है, मजाक है क्या? लेकिन आप क्षत्रिय वंश की बात करते हैं, यही जो एसटी आरक्षण की बात किया जाए कि एसटी में जो है राजभर ये कफन बेच बेच करके राजभरों का, मुर्दों का कफन बेच बेच करके और अपना घर को सजाए, अपनी महफिल को सजाए, कभी राजभरों के बारे में नहीं विचार किया? राजभरों का क्या इतिहास है? जहूराबाद में किला लखनेश्वरी सेठ, जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, नारायण की मूर्ति लगी है और उनके हाथ में शंख चक्र गदा और कमल है, क्या राजभर दलित समाज के होते तो उनके खानदान के नारायण की मूर्ति छत्री के रूप में लगती वहां किले पर? वो किसका किला है? राजभर राजा महिपाल का किला है, और महिपाल के किले पर विष्णु नारायण की मूर्ति लगी है कि नहीं लगी है? शिव की मूर्ति लगी है कि नहीं लगी है? क्या दलित किसी राजा ने, चाहे कोई राजा हुआ भी होगा, तो लगवाया है क्या विष्णु नारायण की मूर्ति? मैंने कहा था जूता मारने के लिए एक वक्त आएगा, राणा विजय राजभर इतना जगा देगा, गाजीपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश को जगा देगा। कहते थे गिरोबान पकड़ने की बात, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके गिरोबान को नहीं पकड़वा दिया तो राणा विजय राजभर असली भारसी छत्री सूर्यवंशी नहीं। आप छत्री सूर्यवंशी की बात करते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं जनरल में आना चाहिए, आप ओबीसी में। दो प्रांतों में जनरल में लागू करा के आरक्षण दिखाया है, जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का, मैं हवा में बात नहीं करता इन लोगों की तरह। लेकिन यहाँ तो ओबीसी में सब राजभर कैटेगरी आ रहा है, ओबीसी से अभी निचले 1993 में बीपी मंडल कमीशन ने किया है, उससे पहले राजभर की जनगणना छत्री में राजपूत में हुई है। जिनको जानकारी करना है टाइप्स एंड कास्ट पता कर ले, जानकारी कर ले, जाके जिलाधिकारी से बात कर ले, गाजीपुर जिलाधिकारी से पूछे कि हम किस में आते हैं, जिलाधिकारी के पास गाजीपुर की गजट रिकॉर्ड है, गाजीपुर के इतिहास की किताब है, जाके पूछे, जाकर के कासिमाबाद के तहसीलदार एसडीएम से पूछे, मोहम्मदाबाद के तहसीलदार एसडीएम से पूछे कि हम किस में आते हैं। अगर इनको पता नहीं है, इन हमारे भोले भाले भाइयों को जो इतिहास नहीं जानते हैं, तहसीलदार एसडीएम से, सरकारी अधिकारियों से पूछे, इतिहासकारों से पूछे हम किस में आते हैं, एवं प्रकाश राजभर से पूछेंगे, कालीचरण राजभर से पूछेंगे, इनके पास कुछ इतिहास की जानकारी नहीं है तो क्या बताएंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनेश कुमार। इस समय जहूराबाद में है और जहूराबाद में तमाम तरह से कुछ बातें निकल कर आ रही है कि वो बातें कुछ पुरानी जो है इतिहासों में वर्णित है। फिलहाल हम बात करेंगे जो हमारे सामने मौजूद है राणा विजय राजभर, जो अपनी विवाह की आवाज़ से पहचाने जाते हैं, तमाम तरह से जो है वो अपना एक इतिहास जो राजभरों का है वो भारसी छत्री सूर्यवंशी इस नाम से जो है अपने टाइटल को रखते हैं और अपने आप को भी मानते हैं और उसका प्रमाण भी देते हैं। पिछले बार कई बार तमाम तरह से जो है एक ठोस सबूत इकट्ठा किए थे, आज देखते हैं कि किस ठोस सबूत के आधार पे अपनी बातें रखने का काम करते हैं। स्वागत है आज भी न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद बिमलेश जी और आपके चैनल भी न्यूज़ इंडिया को भी, और अपने माटा गाँव के हमारे सभी सम्मानित नौजवान साथियों को भी, जो जोहराबाद क्षेत्र का ये 12 चोर ब्लॉक का गाँव है जी, और जहां आप माटा गांव में हैं, ये जोहराबाद विधानसभा का है और ये विधानसभा में तमाम राजभरों की एक बहुमूल्य ये क्षेत्र भी माना जाता है, और यहां विधायक ओम प्रकाश राजभर जो सभी समाज के लिए जो है जोहराबाद की जनता के लिए दो बार जो है विधायक हैं, तो क्या लग रहा है कि यहां जहां जो जनता की नज़र से जो विधायक को चुनने का जो काम की है वो विधायक आज इस विधानसभा में विकास के पहल से जीरो? आपके राजनीति का जवाब मैं सेकेंड स्टेप में दूंगा, पहला स्टेप तो आपका एक सवाल चुप गया जब इन नौजवानों से आप बात कर रहे थे कि किसी भी ब्राह्मण ठाकुर की या किसी भी भूमिहार के का इतिहास के बारे में आप बात करते, ये लोग नीच हे दृष्टि से देखते हैं, राजभर समाज को नीच समझते हैं। तो मैं आपको इसी विषय पर जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे वंश का नाम सैकड़ों ब्राह्मण राजपूत या जो है भूमिहार या लाला श्रीवास्तव जिन्हें कहते हैं, इतिहासकारों ने हमारी विश्व प्रसिद्ध किताबों को लिखा है, जो दुनिया में पढ़ाई जा रही है, भारत नहीं,
पूरे दुनिया में पढ़ाई जा रही हैं। और दुर्भाग्य इस समाज का, जो राजा भरत का खानदान, जी भरत वंशी जो भर कहे जाते हैं, जो भारसीय क्षत्रिय हैं, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, उनके बाद नागवंश के रूप में इनको जाना गया है, क्षत्रिय के रूप में, तो ये अपना इतिहास भूल चुके हैं और यही कारण है, इनके पतन का कारण है। तो मैं आपके सवाल का, पहला सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि किन किन इतिहासकारों ने लिखा है, उस पुस्तकों के नाम क्या हैं। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है, अंधकार युगीन भारत का इतिहास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने 14 भाषाओं में यह पाठ पढ़ाई जाती है, ये पुस्तक पढ़ाई जाती है विश्व के सभी जो है विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, ठीक है, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाई जाती है और भारत के जो है तमाम यूनिवर्सिटी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर के और आपके जो है गुजरात यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी सब पढ़ाती है। दूसरा, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि उन भारसियों का, उन भारसियों क्षत्रियों का जिन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ करके अंत में अवभृत स्नान किए थे और 10 बार कुषाणों की सत्ता को भारत से उखाड़ के फेंका और चाइना के आधे भूभाग को भारत में मिला लिया, जो आज भी लड़ाई चल रही है, चाइना उसके लिए लड़ रहा है, ऐसा वीरसेन, सम्राट वीरसेन जिन्होंने मथुरा अपनी जिनकी राजधानी थी उसको चेंज करके और जो कांतिपुरम आज मिर्जापुर कहा जा रहा है भारत को 20 वर्षों तक राजधानी बनाए, वो भारसीय क्षत्रिय थे जिन्हें आज भर राजभर कहा जा रहा है। तो पहला इतिहासकार तो उन्होंने, उन्होंने किताब लिखा है और पूरे इतिहास प्रामाणिकता के साथ उन्होंने राजभरों के सिक्के, भारसीय क्षत्रियों के सिक्के, उनके कहाँ का पद्मावती मथुरा और उनका जो है ग्वाल पद्मावती मथुरा और जो है आपका ये तीन जगह उनका था, विदिशा पद्मावती और मथुरा तीन शासन के केंद्र थे और गोरखपुर से लेकर के सागर जिले तक इनका शासन चलता था, एक छत्र शासन चलता था। सुना है हमने कि अंग्रेजों के राज में सूरज अस्त नहीं होता था, यह बात गलत है, भारसीय क्षत्रिय राजभरों के राज में सूरज अस्त नहीं होता था, जिन्होंने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में राज किया है और क्षत्रिय के रूप में शासन किया है। और दूसरी किताब का नाम देना चाहूंगा, इस पुस्तक का नाम है बैजनाथ प्रसाद राय जी ने लिखा है, जो आप कह रहे थे भूमिहार, बैजनाथ प्रसाद राय जी ने लिखा है राजभर जाति का इतिहास, फिर इन्हें वाकटक राजवंश का इतिहास लिखा है, इसको लिखा है महामहोपाध्याय डॉक्टर विष्णु मिरासी। इस पुस्तक का नाम फिर से मैं बता देता हूँ, वाकटक राजवंश का अभिलेख, हमारे वाकटक वंश के रूप में भी चला है, अभी तो हम लोग भारसीय और भारसीय क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय में है, अभी वाकटक वंश को तो आप लोग को कोई जान ही नहीं पाया है। फिर लिखा है काशी प्रसाद जायसवाल के बाद जो है एक अच्छे इतिहासकार सप्तमी के बच्चे डॉक्टर राहुल संस्कृतायन, जो ब्राह्मण जाति के थे लेकिन जब राजभरों के इतिहास को कलम फाड़ के लिखा तो दुनिया के अंदर वो पढ़ाया जा रहा है, उस पुस्तक का नाम है सप्तमी के बच्चे। सप्तमी के बच्चे में राहुल संस्कृतायन जी ने लिखा है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लिखा है कि ब्राह्मणों ने इन भारसीय क्षत्रिय भरों से जो है सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान लिया है, वेद पुराण का ज्ञान लिया है, पूजा पाठ कराने के संस्कृति का ज्ञान लिया, उन्होंने इतना तक लिख डाला है सप्तमी के बच्चे में। फिर क्या लिखा है आपको बताता हूँ, अमर बहादुर सिंह अमरेश राजकलश लिखे हैं, अमर बहादुर सिंह अमरेश रायबरेली राजघराने के थे, उन्होंने राजपूत थे, राजकलश पुस्तक लिखा है, वो भारसीय क्षत्रिय राजभरों का इतिहास है। फिर इसके बाद जो है गदर के फूल अमृतलाल नागर श्रीवास्तव जाति के हैं, लाला जाति के हैं, गदर के फूल लिखा है। बीर मंडल और मेला प्रचार बाबू अयोध्या प्रसाद चाकती बुलबुल मास्टर महादेव राय राजभर क्षत्रिय राजभर राजपथ प्रदर्शक बलदेव सिंह गोरखा वयम रक्षाम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बहुत बहुत बड़ी बहुत नाम बताए, 100 से ऊपर इतिहासकारों की पुस्तकों का अध्ययन और पुस्तकों का नाम है, अच्छे अच्छे विश्व प्रसिद्ध है। हम यादव को नाराज करेंगे, हम पटेल कुर्मी को नाराज करेंगे, कोरी को नाराज करेंगे, तो कल से वोट कहां मांगने जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर, अगर मैं गलत पूछता हूँ, गलत कहता हूँ, तो मुझसे नजर से नजर मिलाकर बात करें, राजकुमार गुप्ता को मैं बुला दूंगा, आमने सामने बात हो जाएगी, उनकी फोटो है, उनकी वीडियो है, मजाक में भाव में बात नहीं करता। राजभर यहाँ तक उम्मीद जता है कि आरक्षण जो है अब मिलेगा, एसटी में जो है राजभर नाम शामिल होने जा, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात ओम प्रकाश जी ने किया था, गाँव गाँव में गली गली में सब सुने होंगे, गरीबी के आधार पर बात किया था, और जब पिछड़ा कल्याण मंत्री बने तो उनको यादव दिखाई दे रहे थे, कुर्मी दिखाई दे रहे थे, पटेल दिखाई दे रहे थे, राजभर क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी से कहा कि गरीब के बेटे के राजभरों का सर्टिफिकेट दो पढ़ाई लिखाई में, केवल उन्हीं गरीब को दोगे तो वही लाभ उठा पाएंगे, न कालीचरण के बेटे को मिलना चाहिए, न ओम प्रकाश के बेटे को मिलना चाहिए, न हरिनारायण के बेटे को मिलना चाहिए, न सकलदीप राजभर के बेटे को मिलना चाहिए, न रामचल के बेटे को मिलना चाहिए, न तो किसी विधायक मंत्री सांसद के बेटे को मिलना चाहिए, एक गद्दार कमीने कभी भी सही बात नहीं उठाते, और न तो उठाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये कहते हैं कि हम गोड़ की उपजाति है, इतिहास मैं बता दूं, इन लोगों से पूछिए कब भरों के घर भरसाएं भूंजने का काम भरों ने किया है, ये गोड़ की उपजाति अपने को बताते हैं, कब गोड़ हमारा वंश गोड़ अपने को माना है, कब हमने डोली ढोया है, कब हमने पानी भरने का काम कहार का किया है, ये राजभरों से पूछ लीजिए, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर की ऐसी की तैसी कर दूंगा। अभी विधानसभा में बोल रहे थे कि अरे मुख्यमंत्री जी मैं जीते जी क्षत्रिय नहीं बनने दूंगा, उनके जीते जी मैं शक्ति का सर्टिफिकेट बनवा कर और दिखा दिया हूँ,
आपको भी दिखाया मेरे डिग्गी में है, अभी भी दिखा सकता हूँ, सरकार से लिखवा दिया हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा लड़के जीत लिया हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता। इसके बल पर मैंने दो बार जो है न्यायालय से रिलीज पाकर ऑर्डर पाकर के और बैठ करके आपसे बात करूं माटा चट्टी पर जोराबाद विधानसभा। क्या लग रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर जो आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं ये गलत ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं अपने असली माँ बाप के नहीं है, मैं उनके माँ बाप के तरफ नहीं जाना चाहता, हमारे लिए वो भी संदेह पूजनीय है, लेकिन अपने माँ बाप को बार बार गाली ना दे ओम प्रकाश राजभर, इससे पूरे राजभर समाज को गाली जाती है। अपने बीवी बच्चों के बारे में अनाप शनाप कसम ना खाएं। गाँव में चंदा मांगते थे हम लोग, चंदा देते थे अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भर भर के, हम लोगों ने 5 साल सेवा किया पार्टी का, तब जाकर पार्टी मजबूत हुई। और भीख मांगते थे चादरा बिछा करके सादात में, जब भीख मांग रहे थे तो वहाँ के चेयरमैन श्याम नारायण ने कहा भीख मांगना बंद करो राजभरों की तौहीन हो रही है, और अपने घर ले जाकर के उनको चंदा दिया, कपड़ा बनवाया, जूता चप्पल खरीदा और गाड़ी किराए करके भेजा उनको बनारस, कहा कि गाँव में चादर बिछा कर भीख मत मांगो, रेलवे स्टेशन में भीख मांग रहे थे और हम लोगों ने भीख नहीं मांगने दिया, हम लोगों ने चंदा देकर के उनको नेता बनाया है। अगर नेता बनाया है तो नेतागिरी कायदे से करें। वो दूसरी बार विधायक जीते हैं जोराबाद से, हम लोगों ने दूसरी बार जोराबाद से जिताया है, लेकिन नाक कटवा दिया राजभरों का। एक बार कहते हैं कि राजभर अनुसूचित जात में आते हैं, एक बार कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति में गोंड की उपजाति है, एक बार कहते हैं कि जो है वो जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करवाएंगे, एक बार कहते हैं पिछड़े जात का वर्गीकरण कराएंगे। अरे भाई ओम प्रकाश जी, तुम्हारे कितने मुद्दे हैं, रोज तुम्हारे मुद्दे बदलते हैं। मैं तो इतना कहता हूँ कि मायावती ने हमारा वोट लेकर के मुख्यमंत्री बनी थी, और 2009 में मायावती ने हमारे आरक्षण को, विमुख जाति का जो आरक्षण है जिसको अंग्रेजों ने लगाया था क्रिमिनल एक्ट, जब डिनोटिफिकेशन करके विमुख जाति का सपेट दिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में पटेल जी ने दिया, नेहरू ने दिया, तो उस आरक्षण को मायावती ने 2009 में बंद कर दिया है। मैं बार बार कहता हूँ कि भारत सरकार के क्रमांक नंबर 7 पर है, और 12 मई 1961 से चल रहा था वो, 2009 में मायावती ने बंद किया है, उसको खाली शिक्षा में चालू करवा दें, राजभर का बेटा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मास्टर, एसपी, कलेक्टर बन जाएगा, सब शिक्षित होगा, तो सरकार उसको नौकरी क्यों नहीं देगी? नहीं नौकरी देगी तो प्राइवेट जॉब में जाएगा, चाहे अपना ही काम करेगा, बेहतर काम करेगा, जबकि शिक्षित होगा तो जागरूक होगा, और ऐसे नेता अनपढ़ गवार नेता पढ़ा नहीं पाएंगे समाज को, तब वो जवाब देने लगेंगे ना, इसलिए तो शिक्षित होने नहीं देना चाहते लोग। अगर मैं शिक्षित नहीं रहता तो आपकी बात सुनकर के मैं भी मौन हो जाता। अच्छा, क्या आप लोग को लग रहा है जैसे ये इनकी बात है, आप लोग क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं, अभी तक आप लोग शिक्षित है, कहीं ना कहीं जो ये पूरी इतिहास बता रहा है जहाँ तक वर्णित भी है, लेकिन इससे बहुत लोग परे हैं। जहाँ तक ये बातें आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे ने तमाम अभी घोषित उपचुनाव में बातें कहे थे, झुंझुनू तक भी राजभर को बनाए थे, ये बातें जो है आपकी तरफ फैल गई और तमाम जो है राजभर वहाँ नाराज हैं, चिरकुट कह रहे हैं, चिरकुट कह रहे हैं ओम प्रकाश जी के लड़के चिरकुट। अरे भाई, आप भी चिरकुट थे, आपके बाप भी चिरकुट थे, हम लोगों ने मिलकर के आपको आदमी बनाया है, और अगर हम लोग मिल जाएंगे तो आप फिर चिरकुट हो जाएंगे। राजभरों को चिरकुट करने वाले सावधान रहो। क्या लगता है ऐसी बातें करने से, क्या माना जाए जो इस तरह से बातें कर रहे हैं? अभी उनको ऐसा बात नहीं करना चाहिए, किस मद में कर रहे हैं? अब उनको भाई सत्ता करना चाहे, साफ कह रहे हैं कि ये सभी गलत हो रहा है, तो होना क्या चाहिए? देखिए, हमारे एक वंश में राजा हुआ करते थे, उनका नाम था राजा नहुष। जब ओम प्रकाश की तरफ उनका भी जो है मद चढ़ा, तो इंद्र के ऊपर आक्रमण किए और इंद्राणी को जीत लिए, और इंद्राणी को जीत कर जब लाए तो मांस मदिरा का सेवन करने लगे, और उनकी यह दशा हो गई कि इंद्राणी के श्राप से, देवताओं के, ऋषियों के श्राप से, ऋषियों से डोली ढोवाने लगे, सर्प ऋषियों से, सप्त ऋषियों से, तो उनके श्राप से उनको अजगर बनना पड़ा, सांप बनना पड़ा, ऐसा लिखा है पुराणों में। मतलब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि बद से बदतर हो गई, मतलब मनुष्य जोनि से, देव जोनि से राक्षस जोनि में चले गए, और राक्षस जीव से जो है चले गए जीव कीड़े मकोड़े की जोनि में, तो वही हाल होती है। आदमी कब चुक राज, राज चुक नरक, कब से चुकता है तो लोग कहते हैं कि राजा बनता है, और राजा जब चुकता है तो नरकगामी होता है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी को अगर राजा बनाया गया है जोराबाद विधानसभा का, तो एक राजा की भूमिका में रहे, अपने मर्यादा में रहे, वो कभी भी इस तरह की बातें उलुल जुलुल करना बंद करे, और अपने राजभर समाज ही नहीं सर्व समाज ने जिताया है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, नमस्कार।